और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस से यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है और रूस की तरफ से किए गए इस एयर स्ट्राइक का वीडियो भी सामने आया। रूस ने दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। यूक्रेन पर रूस की तरफ से बारूद और मिसाइलों की बरसात जारी है। इस बीच यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। एयर स्ट्राइक के दौरान रूसी फाइटर जेट से यूक्रेन पर एक के बाद एक कई मिसाइलों की बारिश की गई। रूसी एयरफोर्स के जवानों ने फाइटर जेट Su-25 से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। वीडियो में एक साथ कई फाइटर जेट हमला करते देखे गए। खास बात यह रही कि इस हमले को कम ऊंचाई से अंजाम दिया गया और एक साथ कई मिसाइलें दागी गईं। साथ ही इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान होने का दावा किया गया। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियार द्वीपों के नष्ट किए जाने की बात भी कही। तो एक तरफ रूस यूक्रेन पर हवाई हमले लगातार कर रहा है तो दूसरी तरफ जमीन से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और वहीं यूक्रेन पर किए गए हमले का एक और वीडियो रूस ने जारी किया है। रूस के सैनिक यूक्रेन के सैन्य और हथियार डिपो पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के हमले का वीडियो सामने आया। होवित्ज़र तोप से यूक्रेन के ठिकानों पर एक के बाद एक कई गोले दागे गए। रूस की सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में रूसी सैनिक तोप में गोले भरते और फायरिंग करते नजर आए। वहीं दावा किया गया कि यह हमला यूक्रेन में सैन्य अड्डों, हथियार डिपो और तोप खानों को निशाना बनाकर किया गया। वहीं रूसी सेना ने इस हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की भी बात कही। रूस और यूक्रेन के बीच 9 महीने से जंग जारी है और यूक्रेन के रूस पर हमले का वीडियो कई बार सामने आ चुका है तो यूक्रेन के सैनिक भी रूस पर लगातार पलटवार करते नजर आए।